स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं पांच ऐसे साउथ के सुपरस्टार के बारे में जो आने वाले समय में हमें कई बड़ी फिल्मों में निगेटिव कैरेक्टर प्ले करते हुए दिखाई देंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो साउथ के सुपरस्टार कौन सी फिल्म में निगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और उनकी ये फिल्म हमें कब तक देखने को मिलेगी। ओ भाई, क्या तेरा बाप तेरे कह रहा है? नहीं रे, तेरे बाप की और तेरा बाप मैं। कालापति 68 यह एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर वेंकट प्रभु डायरेक्ट कर रहे हैं और वहीं इस फिल्म में हमें थलापति विजय के साथ मीनाक्षी चौधरी और प्रभु देवा जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। और वहीं इस फिल्म में हमें थलापति विजय डबल रोल में देखने को मिलेंगे जहां उनका एक कैरेक्टर निगेटिव और एक कैरेक्टर पॉजिटिव होने वाला है और थलापति 68 में विजय अपने आप से ही लड़ते हुए दिखाई देंगे। आपको बता दें, अभी मेकर्स इस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों में मेकर्स इस फिल्म के टाइटल टीजर को रिलीज करने वाले हैं। अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट को अनाउंस नहीं किया गया है और कहा जा रहा है कि मेकर्स इस फिल्म को 2024 के फर्स्ट हाफ में ही रिलीज करेंगे। अगर वो मेरे जैसा दिखता है तो मेरा क्या कसूर? उल्टा तुम लोगों ने मेरा सीना हराम कर दिया। और 2 यह एक स्पाई एक्शन इंटरटेनर फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर अयान मुखर्जी डायरेक्ट कर रहे हैं और वहीं इस फिल्म में हमें ऋतिक रोशन के साथ कियारा आडवाणी और जूनियर एनटीआर जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। आपको बता दें, वर्ड 2 यशराज के स्पाई यूनिवर्स की 6वीं फिल्म होने वाली है जिसमें हमें ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के बीच लड़ाई देखने को मिलेगी। आपको बता दें, वर्ड 2 यशराज की स्पाई यूनिवर्स की बड़ी फिल्म होने वाली है जिसमें हमें कई दमदार एक्शन सीन देखने को मिलेंगे और टाइगर 3 के साथ इसके इंट्रो टीजर को ही देखकर लगता है कि वर्ड 2 में हमें कई ब्रूटल एक्शन सीन देखने को मिलेंगे। आपको बता दें, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर इस फिल्म की शूटिंग जनवरी 2024 से स्टार्ट करेंगे और स्पाई यूनिवर्स की ये फिल्म हमें अगस्त 2025 में सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। कबीर इज गॉन रॉन्ग मैम, कबीर इज आवर बेस्ट। इससे पहले वो कुछ और करे, किल हिम। कोई तो होगा जो कबीर तक पहुंच सके। रामायण पार्ट 1 यह माइथोलॉजिकल फिल्म होने वाली है जिसकी कहानी रामायण के ऊपर बेस होगी और इस फिल्म को डायरेक्टर नितेश तिवारी डायरेक्ट करेंगे जिसमें हमें रणवीर कपूर के साथ साई पल्लवी और रॉकिंग स्टार यश जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। आपको बता दें, मेकर्स इस फिल्म की शूटिंग फरवरी 2024 से स्टार्ट करेंगे जिसमें हमें ऑस्कर विनर कंपनी DNEG का VFX देखने को मिलेगा। आपको बता दें, मेकर्स ने इस फिल्म के लुक टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है जिसमें हमें रणवीर कपूर भगवान श्री राम जी के कैरेक्टर में, साई पल्लवी माता जी के कैरेक्टर में और रॉकिंग स्टार यश रावण के कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि डायरेक्टर नितेश तिवारी रामायण को 3 पार्ट में बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं जहां इसके पहले पार्ट में हमें प्रभु श्री राम जी और माता सीता जी की कहानी देखने को मिलेगी, महाबली हनुमान जी का इंट्रो और रावण का सिर्फ कैमियो देखने को मिलेगा। आपको बता दें, आने वाले कुछ दिनों में मेकर इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने वाले हैं और नितेश तिवारी की ये फिल्म हमें 2025 के सेकंड हाफ में देखने को मिलेगी। विक्रम 2 यह गैंगस्टर एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर लोकेश कनगराज डायरेक्ट करेंगे और वहीं इस फिल्म में हमें कमल हसन के साथ सूर्या, थलापति विजय और कार्थी जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। आपको बता दें, विक्रम 2 लोकेश कनगराज की सिनेमैटिक यूनिवर्स की इंड गेम होने वाली है जिसे एक बड़े बजट में बनाया जाएगा जिसमें हमें एक तरफ कमल हसन के साथ थलापति विजय और कार्थी देखने को मिलेंगे तो वहीं दूसरी तरफ सूर्या अकेले अपने गैंग के साथ देखने को मिलेंगे। जी हां, विक्रम 2 में हमें सूर्या के कैरेक्टर रोलेक्स के साथ विक्रम, लियो और दिल्ली की लड़ाई देखने को मिलेगी। लोकेश कनगराज ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि वो इस फिल्म की शूटिंग कैथी 2 के बाद स्टार्ट करेंगे और वो इस फिल्म से पहले सूर्या के कैरेक्टर रोलेक्स के ऊपर एक स्टैंड अलोन फिल्म भी बनाएंगे जिसमें हमें सूर्या के कैरेक्टर रोलेक्स के बारे में दिखाया जाएगा और फिर कहीं जाकर हमें विक्रम 2 देखने को मिलेगी। मुझे कैसे बुलाया तूने? रोलेक्स? रोलेक्स सर, अब से सर। यस सर। ओके सर। रावणम यह एक माइथोलॉजिकल पीरियड एक्शन फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर प्रशांत नील डायरेक्ट करने वाले हैं और वहीं प्रभास इस फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे और वहीं इस फिल्म को जाने माने प्रोड्यूसर दिल राजू प्रोड्यूस करने वाले हैं और दिल राजू ने अपने एक इंटरव्यू में कंफर्म किया था कि वो प्रभास और प्रशांत नील के साथ एक बड़ी पैन इंडिया फिल्म पर काम कर रहे हैं जिसका टाइटल रावणम होने वाला है और इस फिल्म में हमें लंकापति रावण के बारे में दिखाया जाएगा जिसमें हमें प्रभास रावण के कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे और इस फिल्म को बनने में अभी काफी टाइम लगेगा क्योंकि जैसा कि आपको पता है, अभी प्रभास प्रशांत नील की फिल्म सालार, उसके बाद कल्कि, फिर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट और उसके बाद डायरेक्टर मारुति की अनटाइटल फिल्म, इन सब पर काम कर रहे हैं और फिर कहीं जाकर प्रभास प्रोड्यूसर दिल राजू की इस फिल्म पर काम स्टार्ट करेंगे। तो देखना होगा कि प्रोड्यूसर दिल राजू प्रभास की इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक करते हैं और प्रभास की ये फिल्म हमें कब तक देखने को मिलेगी। प्लीज हाय काइंडली।
best. वैसे आप इन पांचों फिल्मों में से कौन सी फिल्म का इंतजार कर रहे हैं हमें कमेंट में बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको फिल्मों से जुड़ी छोटी मोटी अपडेट जाननी हो तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।